छिंदवाड़ा में पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जो किराए पर कैमरा लेकर दूसरों को बेच दिया करता था। पुलिस ने कैमरा खरीदने वाले के पास से 7 कैमरे सहित 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। परासिया के चांदामेटा में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। परासिया SDOP ने बताया कि बेईमानी से कैमरा रखकर बेचने वाले गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा है। उन्होंने बताया कि आकाश नामक युवक ने 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से कैनन कंपनी का कैमरा किराए पर लिया था और 10 दिन बाद वापस करने को कहा था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी इसने न कैमरा वापस किया न ही पैसे दिए। यही नहीं, युवक कैमरा लेकर लापता हो गया, जिसके बाद SDOP अनिल शुक्ला और चांदामेटा पुलिस ने इसे गंभीरता से लेते हुए इन आरोपियों की खोज शुरू की। आरोपियों के पास से पुलिस को 7 कैमरे 2 मोबाइल मिले। पुलिस ने चोरी का सामान खरीदने वालों पर भी कार्रवाई की है। चांदामेटा में कुणाल बंदेवार ने शिकायत किया कि आकाश कहार निवासी परासिया 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से कैमरा ले गया, जो वापस नहीं किया। उसने पता किया तो उसे अन्य साथीदारान 6 लोगों से भी कैमरे आकाश कहार ले जाकर उन्हें वापस नहीं किया था। इस सूचना पर चांदामेटा में धारा 420 406 का प्रकरण पंजीबद्ध कर आकाश कहार से पूछताछ की गई, जिसने 7 कैमरे अपने परिचितों से लेकर दूसरे लोगों को बिक्री करना बताया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।